ओम नमः शिवाय। आज चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। आज जो भी बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल नक्षत्र में माने जाएंगे, जिनका 27 दिन बाद फिर यही नक्षत्र आएगा जिसमें इस नक्षत्र की शांति कराई जाती है। तो जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके लिए ये आवश्यक है कि 27 दिन बाद इसी नक्षत्र में शांति करावें। अब आते हैं राशिफल के लिए। तो पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि पर आज चंद्रमा खुद विद्यमान है, इसलिए मन प्रफुल्लित रहेगा, काम करने में मन लगेगा, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, रोजगार में मन लगेगा, नौकरी में अधिकारी सहायक रहेंगे, संतान पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। अब आते हैं वृष राशि के लिए। वृष राशि से चंद्रमा इस समय 12वें माने जाएंगे, इसलिए अच्छे कामों में खर्च संभव है, धन संबंधी मामलों में थोड़ी कमी आ सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बच्चों से संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी, कार्य में थोड़ा सा रुकावट हो सकता है। केले के पौधे में जल डालने, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। अब राशिफल की तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि से चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे, आय संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, धन संबंधी मामलों में थोड़ा व्यवधान आ सकता है, क्योंकि मिथुन राशि से राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। हरे गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे अनुकूलता मिलेगी, स्वास्थ्य के लिए भी और धन के लिए भी। बाकी अन्य मामलों में मिथुन राशि बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि पर राहु लंबे समय तक विद्यमान रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें, धन के लिए अनुकूलता बनेगी, बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, नौकरी या रोजगार संबंधी अनुकूलता मिलेगी। अब आते हैं सिंह राशि, पांचवी राशि के लिए। चंद्रमा भाग्य भाव में रहेंगे, इसलिए भाग्यवश काम बनेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए सूर्यदेव को अर्घ दें, संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, रोजगार के लिए कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। अब आते हैं छठवीं राशि, कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए चंद्रमा अभी 8वें गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं, आदिशक्ति दुर्गा की आराधना करें, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, बच्चों से या संतान पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। अब सातवीं राशि तुला राशि है। तुला राशि से चंद्रमा अभी 7वें चल रहे हैं, इसलिए मन प्रफुल्लित रहेगा, काम में मन लगेगा, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, रोजगार में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, इसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पराक्रम में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है। यहाँ से चंद्रमा 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मन अशांत रहेगा, काम करने में मन कम लग सकता है, व्यर्थ के कामों में धन खर्च हो सकता है, कार्य में रुकावट आ सकती है, रोजगार संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, ध्यान दें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हनुमान जी की आराधना करें। अब आते हैं राशिफल की 9वीं राशि धनु राशि के लिए। धनु राशि से चंद्रमा 5वें घर में बैठे हुए हैं, नवीन कार्यों का आरंभ कर सकते हैं, आपके ऊपर 7.5 मध्य की चल रही है, इसलिए
थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भाग्यवश कुछ काम अच्छे हो सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दुर्गा जी की आराधना करें। कार्य संबंधी रुकावटों में अनुकूलता आएगी, घबराएं नहीं, मन व्यग्र रहेगा। पूजा पाठ करने से शांति मिलेगी। आय संबंधी मामलों में थोड़ी रुकावट हो सकती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अब आते हैं राशिफल की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि से चंद्रमा पराक्रम भाव में चल रहे हैं, इसलिए कार्य के लिए प्रयास होंगे, कार्य संपन्न भी होंगे, कोशिश करें। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता आएगी, संतान पक्ष से अनुकूलता मिलेगी, अच्छे समाचार मिल सकते हैं। आय संबंधी मामलों में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा। मीन राशि। राशिफल की 12वीं राशि मीन राशि है। मीन राशि से चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हुए हैं, वाणी में सौम्यता आएगी, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, कार्य में विलंब न करें, रोजगार में अनुकूलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दैनिक राशिफल को देखते हुए थोड़ा इंतजार करें, शीघ्र ही हम वार्षिक राशिफल को लेकर आपके सामने चर्चा करेंगे, जिसमें पहले दिन मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के लिए चर्चा होगी। तब तक बने रहें। ओम नमः शिवाय।